जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में अवध यूनिवर्सिटी के बीएड से संबंधित। पहले एक इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी परीक्षा फॉर्म कब आ सकती है, आपका पेपर कब हो सकता है, इसके पीछे चर्चा करेंगे। आपके वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं और आपकी वीडियोज़ कब से शुरू होगी, ये भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेकर, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अवध यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 मार्च को होने वाले बीएड और एमएड के बैक पेपर की एडमिट कार्ड रिलीज कर दी है। तो जिन बच्चों को 30 मार्च को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या एमएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बैक पेपर देना है जो कि भराया गया था, वो अगर उनको 30 मार्च को देना है तो उसका एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ चुकी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए ज़रा अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं कि कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं जिनको 30 मार्च को आपको बैक पेपर देना है। तो अवध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, स्टूडेंट कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे नीचे आपका एक ऑप्शन रहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में, वहीं आपको लिखा रहेगा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड बीएड एमएड बैक पेपर, और बीएड एमएड बैक पेपर यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उसमें कैंडिडेट फॉर्म नंबर रहेगा, उसको डालिए और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। ठीक है, तो हम डाल देते हैं कैंडिडेट फॉर्म नंबर डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ। हाँ चलो, तो हमने इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल दी। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करते हैं आपका डाउनलोड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ रहेगी, रोल नंबर रहेगा, नीचे आपको किस सब्जेक्ट का पेपर देना है वो आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च का बैक पेपर है, और साथ ही साथ आपका सेंटर कहाँ गया याद रखिएगा दोस्तों। सबका सेंटर जो होता है बैक पेपर का वो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में यहाँ पे प्राचिता भवन में इनका एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे आपको जाके पेपर देना है। राइट, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग इस बार बैक पेपर देने जा रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड ईयर का हो। अवध यूनिवर्सिटी के कैंपस में 30 मार्च का आपका पेपर है, ऑन टाइम चले जाएगा, एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रेगुलर का कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब भराएगा और एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है और रिसेंटली अभी तुरंत यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि UGPG यानी बी ए बी एस सी बी कॉम और एम ए एम एस सी एम कॉम की एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो चुका है भरना। 29 मार्च से ये फॉर्म भरा जा रहा है और 15 अप्रैल तक टाइम है। और आप सबको बताया ये विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि इस फॉर्म के बाद ही आपका परीक्षा फॉर्म भराया जाता है और इसी UGPG के एग्जाम्स के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होता है। तो 15 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं अगर कहूँ तो अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन को वहाँ टाइम रहेगा, तो अप्रैल पूरा ले लीजिए या जून मिड मंथ, जून के बीच में या जून के एंड में आपकी एग्जामिनेशन की संभावनाएं हैं और 31 अगस्त से पहले आपका 31 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से स्केड्यूल रहता है, 1 अगस्त से आपका नया कोर्स शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अप्रैल और मई दो महीने आपके पास टाइम है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, तो ये आपका प्रारूप रहेगा परीक्षा की। अब दूसरी बात ये आती है कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ऑलरेडी मैंने पिछली बार सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखा है, आप एक बार इस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक करिएगा, इसमें मैंने प्लेलिस्ट डाल रखा है, पूरे वीडियो का लिंक डाल रखा है। अब जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो उस समय मैं मैराथन करा दूंगा, क्योंकि अब सेम वीडियोस रिपीट हो रहा है, समझ में आ रही है। जब आप सेम वीडियोस रिपीट होंगे तो मुझे तो व्यूज मिल जाएगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वीडियो देखें ये, फिर वो ना रिदम वो सीरीज टूट जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो मैं सीरियल वाइज हर एक यूनिट का एक एक मैराथन, जैसे हर एक यूनिट में पाँच, हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, तो हर एक वीडियो सब्जेक्ट का 5 यूनिट बनाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक नहीं, पूरा एक कंप्लीट मैराथन की तरह से कि हर एक यूनिट से एक वीडियो बन जाए और 5 वीडियो में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से मेरा बनाने का प्लान है। बाकी अगर कोई टॉपिक अगर जैसे आपको समझना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, चाहे आप टेलीग्राम में पूछ लीजिए, चाहे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ अवध विश्वविद्यालय आप देखेंगे तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के वीडियोज़ बिल्कुल नहीं बने हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे एक एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, बनाऊँगा, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊँगा। मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, और वैसे भी आजकल तो रोज़े चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जॉब, काम करना, सारी चीज़ें होती हैं,
फिर भी जब भी टाइम निकाल के आ गया मैं बनाऊंगा। एक चीज़ का मैं प्रॉमिस कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं रहा मतलब इस दुनिया में रहा, तो एग्जाम तक आपके सिलेबस की तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है, कन्फर्म मैं करा दूंगा। उसमें आप चिंता मत करिएगा। चाहे एक वीडियो में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो क्या हुआ, वो आपको टाइम से पहले ही, एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी आप मेरी जिम्मेदारी है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही कुछ सूचना आती है मैं आपको बताऊंगा, तो वो तैयारी को लेकर आप टेंशन मत लीजिए। बाकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, देखते रहिए, खुद से भी कोशिश करिए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात थी। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको बैक पेपर देना है जिन बच्चों को, बाकी तैयारी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई राय, सुझाव, प्रतिक्रिया है, शिकायत भी आप कर सकते हैं, मेरी शिकायत मुझसे कर सकते हैं कमेंट में आके, आपकी शिकायत की पूरी सुनवाई होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नई जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राय प्रतिक्रिया शिकायत सुझाव जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।